तो गाइस ये वीडियो शुरू होता है ठीक आज से 4 दिन पहले। आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जी मैं क्या बता रहा हूँ। गाइस आप पहले देख लो। तो गाइस आपको लगेगा ये टॉप क्या है के जो मेरे पुराने ऑडियंस है वो उसको पता है जो इस गमले के अंदर क्या है। तो गाइस अगर आपको नहीं पता तो पहली वाली जो पार्ट 1 वीडियो है ऑर्गेनिक खेती बोल के आपको लिखा आएगा वो वीडियो पहले देख के रहो फिर इस वीडियो को देखना। मैं आप लोगों को याद होगा नहीं मैं बोला था आप प्लीज़ दुआ करना कि हमारा ये वीडियो कामयाब होए। हम भगवान से भी दुआ करेंगे जो हमारे जो ये वीडियो जो ये फेल ना हो। आपका सच में दुआ काम कर गई ठीक है। हमारे जो सारे पौधे हैं वो निकल के आ चुका है। जो मेरा पुराने ऑडियंस है वो बहुत ही पावरफुल है ठीक है। इसलिए आप भी हमारे साथ जुट जाइए को हमारे जो ऑडियंस के जो दुआ है सच में भगवान ने हम मेरा ऑडियंस के बातें सुन ली है ठीक है। तो इतना वीडियो में जो इतना जो हमें सक्सेस मिल चुका है ठीक है। जो पूरा सक्सेस नहीं मिला है तो ये तो वीडियो का पहला दिन है ठीक है। जो मैं बोला था कि हर एक दिन मैं वीडियो में कैप्चर करके मैं पूरे वीडियो के साथ में जोड़ के एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो पहला दिन है ठीक है। जो सारे जो ये पौधे जो छोटे छोटे है इसको और भी बड़ा बनाना है ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए ठीक है। बहुत सारे ऑडियंस के दुआएं चाहिए फिर ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो का दो लाइक। आप 4 दिन का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो। A few moments later. तो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ 10 दिन के बाद। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो हमारे 10 दिन का बाद जो हमारा जो चारा है वो कैसा वो कितना बड़ा हो चुका है। तो गाइस ये वाला जो छोला की बीच है वो देखो कितना बड़ा हो चुका है। और ये वाला जो है मसला का जो चारा है तो अभी मुझे पता नहीं है कौन सा मसले के कौन सी चारा है ठीक है। सब एक जैसा ही लग रहा है सेब। ये जो कला ये जो छोला के बीच है यही से यही जो पता चल रहा है ये जो छोला के गाछ है ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है। जो आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो इस वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाया जो ये बहुत ही ग्रो हो चुका है कि हम यहाँ पर कुछ भी रासायनिक सार और कीटनाशक और कोई कुछ भी हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। आज के लिए यहाँ था कि हम फिर से 2 दिन के बाद हम इस वीडियो को दिखाएंगे जे और कितना बड़ा होता है। A few moments later. तो गाइस इस वीडियो को 15 दिन हो गया आज। तो गाइस 15 दिन के बाद क्या रिजल्ट है आप लोगों के सामने। ये जो छोले की चारा है ये बहुत ही जल्दी बड़ा होता जा रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो छोले की चारा कितना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे और भी है जो जीरा का मेथी का जो हमने बीज जो यहाँ पे छिटाया था वो भी बहुत ही बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो गाइस इसको अगर हमने सही से जो पार्ट 2 वाला जो वीडियो है बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो गाइस पिछले भी कुछ शॉट हमने लेके रखी है तो ये शॉट को जोड़ देंगे तो गाइस ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर हो जाएगा। तो गाइस आपको मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस हम चाहते हैं कि इस वीडियो को हम पार्ट 3 में कर दें। तो 3 पार्ट में करेंगे तो गाइस वीडियो भी बहुत ही छोटी हो जाएगी 5-6 मिनट का वीडियो हो जाएगा और बाद में हम एक पार्ट 3 भी डाल देंगे। तो गाइस आप देखो कितना बड़ा हो जाएगा। तो गाइस हम पार्ट 2 वाले वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं फिर हम पार्ट 3 ले आएंगे फिर हम और भी दिखाएंगे डिटेल्स में जो आखिर में इसका हालत क्या होगा। तो गाइस मुझे लगता नहीं कि इस टॉप में ये और भी ग्रो हो सकता है। तो गाइस आप लोग इसके लिए एक लाइक कर दो। मैं तो रोज़ ही आता हूँ तो गाइस मैं 1-2 दिन पर ही आ जाता हूँ इस चैनल में। तो गाइस कोई डरने की बात नहीं है। तो हम पार्ट 3 भी करने जा रहे हैं तो पार्ट 2 को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।